हम आपको सेल्फ प्रोनिंग की विधि बताते हैं। इसके लिए हमें तीन जगह पिलो रखने हैं। हमें सेल्फ प्रोनिंग में करना क्या है, हम पेट के बल लेटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे हम पेट के बल लेट जाएं, क्योंकि ऐसा किया तो हमारा पेट दबेगा और पेट का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेट ना दबे? जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती हैं, और जो डायाफ्राम्स का मूवमेंट होता है उसका बहुत भारी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी ब्रीदिंग में। तो अगर पेट दबा तो वो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा और उससे उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा हमें कदापि नहीं होने देना है। इसी के लिए हम तीन जगह पिलोज रखते हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो है, दो या तीन या चार आपको लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस जो ये है, हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। ध्यान रखना है कि पेट के नीचे पिलो नहीं आना है, पेट का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पिलो पे आएगी। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ, जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। तो प्रोनिंग पोजीशन में जाने के बाद हमारी अपर चेस्ट एक पिलो पे सपोर्टेड होगी, हमारी जो ये हिप बोन है ये दो या तीन या चार डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ पिलो उस पे सपोर्टेड होगी, और पैर हमारे नीचे की तरफ होंगे। सबसे अहम चीज है कि पेट बिस्तर पे नहीं दबना चाहिए, और आपकी पोजीशन हो जाने के बाद पेट और बेड के बीच में एक हाथ जा पाना चाहिए जो इंश्योर करेगा कि आपके पेट का मूवमेंट ठीक हो रहा है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं झुका, पेशेंट तो लेटा होगा तो वो लेटी पोजीशन में भी कर सकते हैं, मैं आपको खड़े होकर दिखा रहा हूं। अब मैंने ये तीन पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोज के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोज के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है, और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। और जो तीसरा पिलो है वो मेरा पैर की तरफ है, आप देख लीजिए मैंने अपने पैर जो हैं वो पिलोस पे सपोर्ट किए। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर अनकंफर्टेबल लगे तो हटा भी सकते हैं। अब जो हमने ये चेस्ट की तरफ पिलो रखा है इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब सर कैसे पोजीशन करें, कई तरीके हैं। आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके अपनी थोड़ी जो है वो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। या दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें, और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए और हमने हाथ पे इसको सपोर्ट कर लिया। और ऑक्सीजन अगर लगी है तो मास्क लगा है तो मास्क भी लगा हुआ हो सकता है, और अगर नेजल कैनला है तो वो भी लगा हुआ हो सकता है। या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या फिर इसको हटा के मैंने इसको इसके ऊपर कर लिया। तो आपको चूंकि 2 घंटे तक लेटना है तो आप बीच बीच में इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हाथों की पोजीशन जो है वो आपको कंफर्टेबल रखनी है, आप यहां भी रख सकते हैं। आपने एक हाथ साइड ऑफ द बॉडी में कर लिया, दूसरे को थोड़ा आगे पीछे कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको आगे पीछे कर लिया, और बीच बीच में आप थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर संभव हो, अगर आपको थकान ना हो और ऐसा करने पर आपका ऑक्सीजन ना कम हो रहा हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में चेस्ट को ऐसे उठा करके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और फिर आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सैचुरेशन लगा के करें। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, टाइर्डनेस हो रही है, या सैचुरेशन ऐसा करने पर ड्रॉप होता है तो ऐसा ना करें। तो ये हुई प्रोनिंग की पोजीशन, जिसमें चेस्ट के नीचे पिलो है, मेरी पेल्विस के नीचे हिप बोन के नीचे पिलो है, और पैर के नीचे पिलो है, और मेरे पेट और बेड के बीच में जगह है। अब आइडियली 2-3 घंटे अगर आप इस पोजीशन में लेट सके तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही आपके सैचुरेशन में 5-10% का इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 2-3-4 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने ये पिलो हटा दिया, मैंने ये पिलो भी हटा दिए, और ये पैर वाला पिलो भी हटा दिया, और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया। मेरी लेफ्ट साइड डाउन है,
मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया, हाथ को यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, जैसे चाहे सर पे रख सकता हूं, जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगे। अब मैं 2 घंटे लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर मैं राइट लैटरल पोजीशन में चला जाऊंगा। मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अब मेरी राइट साइड डाउन है और अब मैं राइट लैटरल पोजीशन में आ गया। तो मैं अब राइट लैटरल में 2 घंटे लेटने के बाद अब हम सीधे हो सकते हैं, अपने बैक के बल लेट सकते हैं और इस पोजीशन में हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं थोड़ी देर, या फिर हम धीरे 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 उठ के बैठ सकते हैं और उठ के बैठ के चौकी मार के बैठ जाएं। ऐसे बिल्कुल अपने को झुका के ना बैठें ऐसे, क्योंकि उससे हमारी लंग कैपेसिटी कम होती है। अपने को पूरा जितना सीधा हो सकता है और जितना चेस्ट को पीछे कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट कर लें, थोड़ा शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूवमेंट कर लें, थोड़ा ऐसे दाएं बाएं मूवमेंट कर लें। और बैठने के साथ में आप अपने को सपोर्ट भी कर सकते हैं, बेड पे कोई स्टूल या कोई ऐसी चीज अगर ले लें, ऐसे रख लें और उस पर एक पिलो रख करके, ऐसे करके आप यूं रख करके इस पर सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं। तो इससे भी ये हम लोग कार्डियक पेशेंट्स में ये पोजीशन अक्सर यूज करते हैं, तो इससे भी आपको सपोर्ट लेके बैठने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो 1-2 घंटे बैक पे लेटना या सीधा, तो 2 घंटे प्रोन यानी पेट के बल, 2 घंटे लेफ्ट लैटरल, 2 घंटे राइट लैटरल, फिर 1-2 घंटे बैठे हुए या बैक पे लेटे हुए, और फिर इसी साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर पोजीशन में आपको बेस्ट मिले, इंडिविजुअल वेरिएशंस होंगे। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बेस्ट ऑक्सीजन मिल सकता है तो उस पोजीशन को आप ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये जो सेल्फ प्रोनिंग है ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऑक्सीजन का या वेंटिलेटर का या आईसीयू केयर का कोई श्योर शॉट अल्टरनेटिव नहीं है। यह हर घर में आसानी से बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी एक्सपेंडिचर के कर सकी जाने वाली प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड इफेक्टिव एक मेथड है। और इसको जैसे ही आपका सैचुरेशन कम होना शुरू करे, अगर आप इसको इस्तेमाल करने लगे तो तुरंत आपको 5-10% का ऑक्सीजनेशन में इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, जिससे हो सकता है आपको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। एक, या जब तक आप ऑक्सीजन या बेड का अरेंजमेंट करते हैं तब तक कम से कम आपका सैचुरेशन इंप्रूव हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन भी आप लगानी पड़ी तो हो सकता है उसकी मात्रा हमें कहीं कम इस्तेमाल करनी पड़े, जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल्फ प्रोनिंग एक साइंटिफिकली प्रूव मेथड है, आईसीयूज में पूरी दुनिया में वेंटिलेटेड पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, और जहां जहां रिसर्च हुई है 3/4 से ज्यादा पेशेंट्स में इससे सिग्निफिकेंट बेनिफिट प्रूव हुआ है। इनफैक्ट इट हैज बीन प्रूव्ड कि ये आईसीयू पेशेंट्स में डेथ रेट को कम करता है। तो जो इतना वेल प्रूव्ड मेथड है उसका हम घर पे इस्तेमाल क्यों ना करें। कुछ लोगों ने पूछा कि जिनका अभी ऑक्सीजन गिरना नहीं शुरू हुआ लेकिन वो अभी कोविड से पीड़ित हैं, क्या वो भी कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसका प्रॉपर एप्लीकेशन तो उनके लिए है जिनका ऑक्सीजन गिरना शुरू हो गया, बट दूसरे लोग भी अगर बेली डाउन, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल बैठा इस पोजीशन में चेंज करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा भले ही हो सकता है। 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें प्रोनिंग नहीं करनी है। एक तो गर्भवती महिलाएं, उनको ये नहीं करना है। जो लोग बहुत ज्यादा ओबीज हैं और उनकी बेली बहुत आगे पेट है, तो उनके कितने भी पिलो लगा लें आप, उनको पेट दबेगा, तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो प्लीज आप इसको मत करिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपको कुछ हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर आपकी स्पाइन की कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई स्पाइन की आपको स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइन की कोई प्रोलैप्स डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको हिप बोन का कोई ऑपरेशन हो चुका है, पैर में किसी बोन्स वगैरह का फ्रैक्चर है या किसी चीज का ऑपरेशन हो चुका है, तो कृपया ये ना करें, क्योंकि हो सकता है कहीं उन फ्रैक्चर रिपेयर साइट्स को कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। एक और चीज, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा ना करें, क्योंकि उस समय पेट थोड़ा फूला होता है, तो तुरंत बात करने से आपको उल्टी आने की या इस तरह की संभावना हो सकती है। दूसरा, अगर ऐसा करने पर आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर आप ऐसा ना करें।
कई बार लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जैसे ही वो प्रोन पोजीशन में जाते हैं खांसी आ जाती है, तो थोड़ी देर अगर खांसी आ रही है तो उसको टॉलरेट कर ले, जरूरत हो तो उस पोजीशन में आप नेबुलाइजर भी ले सकते हैं, और प्रायः मैंने देखा है कि थोड़ी समय के बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं और वो खांसी कंट्रोल हो जाती है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।